खबर आपको बताए जहां रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने घर वापसी कर ली है। उन्हें सांसद संजय सेठ और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बीजेपी में आशीर्वाद की लहर है मोदी जी के प्रति। लोग उमड़ उमड़ कर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। लोगों को मन में है कि मोदी जी ने गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया है, गरीब की झोंपड़ी को पक्के मकान में बदलने का काम किया है और देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। और झारखंड ने मन बनाया है कि 400 पार में पहले 14 आशीर्वाद झारखंड से जाएंगे और हर झारखंड की सीट मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिलेगी। सर, आपको तो आप तो रूबरू होंगे झारखंड की परिस्थिति से। आज सुबह ईडी ने छापा मारा, 40 करोड़ रुपये पकड़ाए हैं। लूट तंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र चल रहा है। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे का गठबंधन जनता की जेब काट रहा है। राहुल जी भी आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की हर शाख पे एक आलमगीर आलम बैठा है, ये गठबंधन की हर शाख पे आलमगीर आलम बैठा है। मेरे झारखंड का, मेरे भारत का क्या बनेगा? लूटने वाले इतने जबरदस्त लुटेरे हैं कि आप सोचिए, मंत्री के पीए के नौकर के घर पे इतना पैसा है तो कितनी लूट हुई होगी। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने कहा, और लेकिन मेरे साथ संजय सेठ जी हैं। अब क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जिस तरह से पैसे बरामद हो रहे हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है? देखो, अब जिस तरह आज के दिन ही 2 साल पहले पूजा सिंघल के यहाँ से, उनके सीए के यहाँ से पैसा बरामद हुआ, आज पीएस के नौकर के यहाँ 40 करोड़ की गिनती जारी है। कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपया, कल्पना करो। मुख्यमंत्री जेल में, क्यों? बालू लूटा, बालू को सोना बनाया, बालू लूटा, गिट्टी लूटी, सेना की जमीन लूटी, आदिवासियों की जमीन लूटी। मेरा तो मानना है आलमगीर आलम को तुरंत गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। कहां का पैसा, किसका पैसा था? ये कमीशन का पैसा था या भ्रष्टाचार का पैसा था? ये मोदी की गारंटी है, मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं। अगर आपने रिश्वत ली, कमीशन लिया, विकास का पैसा अगर लेगा, तो एक एक पैसे का हिसाब मोदी लेगा और देश की जनता को देगा। यही मोदी की गारंटी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जानबूझकर विपक्ष का, लेकिन सवाल है कि जल्दबाजी में है संजय सेठ जी, अब सवाल उठता है कि जो मामले सामने आए हैं उससे इसका इम्पैक्ट चुनाव पर कितना पड़ेगा? रांची से कैमरामैन अभय के साथ अमर सिंह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।